के साथ कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने मेयर पद की कुर्सी संभाल ली है। इस दौरान बीजेपी के विधायक, प्रभारी मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। वहीं बाल मुकुंदाचार्य विधायक ने पूरे महापौर कार्यालय में गंगाजल छिड़क कर उसकी शुद्धि की। इस दौरान जैसे ही कुसुम यादव को महापौर कुर्सी पर बिठाया गया, पूरा कार्यालय मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। देखिए, सच्ची निष्ठा से काम करें तो नया पुराना कुछ नहीं होता, जल्दी सुधारेंगे और जमकर काम करेंगे। मैम, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी सीट संभालने के साथ ही? सबसे पहली प्राथमिकता है कि मैं जयपुर शहर को स्वच्छ बना सकूं, गड्ढे मुक्त बना सकूं और इसके विकास के लिए कार्य कर सकूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी संगठन का, मेरी पार्टी का, हमारे पदाधिकारी हुए सभी MLA का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये पद संभाल पाऊंगी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जयपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। कोई ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर, पानी भराव से लेकर, सफाई को लेकर, सीवरेज को लेकर, बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं हो, इन सब के लिए हम हेरिटेज के साथ मिलकर के पूरा प्रयास करेंगे और जयपुर का एक ऐतिहासिक वैभव रहे। और हमारा ये संकल्प है कि जो हमारा इंदौर के बाद हमारा नंबर लग रहा है, हम इंदौर को पछाड़ करके हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आवे, ये हम सबका संकल्प है। मतलब उम्मीद, सारे कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में आना चाहते हैं, वो कंठ तक आ चुके हैं, भ्रष्टाचार से वो दुखी हैं, कांग्रेसियों से वो दुखी हैं, कांग्रेस की व्यवस्था से दुखी हैं, मम्मी बेटा जीजी जीजाजी की पार्टी से दुखी है। तो सारे कांग्रेस के पार्षद, अभी भी बहुत पार्षद यहाँ मिले हैं, बहुत बाहर खड़े थे, वो कह रहे थे कि हमें जल्दी से गंगा जल पिला दो, गोमूत्र पिला दो और फटाफट पवित्र करके और हमें बीजेपी में शामिल कर लो, हम शुद्धता पवित्रता से काम करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार